गई भैंस पानी में और ये भैंस थी। थाईलैंड में आपका स्वागत है, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर जो बैंकॉक लैंड कर चुका है। बाहर का नजारा देख के मेरी आंखें चौंधिया गईं, बिकॉज बाहर खड़ा था बोइंग A380 वर्ल्ड लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन। मैं ऑलमोस्ट 50 प्लस फ्लाइट बोर्ड कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने A380 बोर्ड नहीं किया। जैसे वो फ्लाइट बाहर खड़ी थी, वैसे ही इस फ्लाइट में लोग अंदर खड़े थे। बाहर निकलते ही मैं पहुंच गया, अरे रुको जरा, सबर करो, मसाज बाद में लेंगे, पहले हम पहुंचते हैं लगेज पे। तभी मैंने देखा ये बैटमैन की बहन बेलमैन जा रही थी, जिसकी एक जैकेट से मेरी पूरी थाईलैंड की ट्रिप हो सकती है। लोग एयर हॉस्टेस को देखते हैं, लेकिन एयर हॉस्टेस सेलर लेंस को देख रही थी। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। एक पॉइंट पर तो मुझे ऐसा लगा, सिर्फ $40 एक्सचेंज करा के बाहर निकल ही रहा था, तभी मुझे मुकेश की नौकरी खाने वाला रोबोट दिख गया। और फिर हम लग गए थे भंडारे वाली लाइन में, जहाँ पासपोर्ट की जगह दोना, क्या बोला तूने, जहाँ दोने की जगह पासपोर्ट और प्रसाद की जगह पासपोर्ट पे इमिग्रेशन स्टैम्प्स मिल रही थी। अभी मेरी नजर इस बोर्ड पे पड़ती है, इस बोर्ड से पता चलता है कि थाईलैंड में सफेद दाढ़ी वाली लड़कियां अलाउड नहीं है। सबसे पहले तो आपको देखो, एक तो मनी एक्सचेंज और फिर बाद में आपका इंटरनेट, बिकॉज दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो मैंने eSIM एक्टिवेट करा ली है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। ये जो आप स्टोर देख रहे हो, इनसे अच्छा है कि eSIM एक्टिवेट करा लो। eSIM का क्या होता है फ़ायदा, आपको सिम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इफ़ योर डिवाइस इज़ एलिजिबल। और भाई अभी बेल्ट पे आ गया हूँ रिसीव करने के लिए लगेज। एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिसको हम आज से इन्फो लेंस बोलेंगे। एयरपोर्ट से मनी एक्सचेंज ना करा के बाहर से कराएंगे, आपको रेट अच्छे मिलेंगे और आपका कम कटेगा। इतनी भीड़ देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। नहीं नहीं, मेरी एक्स नहीं, मेरी ट्रिप का स्पॉन्सर एक आईवा इंडिया। मुझे डर इसी बात का था, स्पाइस जेट की फ्लाइट ऑलमोस्ट 4 घंटे डिले होने के बाद भी ये लोग मेरा इंतजार करेंगे या नहीं। लेकिन एकाव्या इंडिया अपने वादों पर खरा उतरा। इन दीदियों को लगा ये मेरा लगेज लेके भाग जाएंगी, लेकिन इनको पता नहीं है मैं भी इनके पीछे पीछे भागने लग गया। दूर से हमने अपनी मर्सिडीज बुलाई, जो पास आके टोयोटा बन गई। कैब में बैठते ही ड्राइवर भैया ने मेरे लिए और मैंने उनकी फोटो। बैंकॉक से पटाया का डिस्टेंस था 150 किलोमीटर, भाई भी 150 पर चला रहा था, टोल भी हमने 150 का काटा। इतनी खराब स्क्रिप्ट देख के एकाव्या इंडिया वालों ने बोला 150 रुपया देगा। होटल पहुंचने से पहले मुझे पटाया में दिखा वो बड़ा सा डब्लू, जिसके पीछे आधी मानव पड़े हुए थे। जो पटाया मुझे 8 बजे पहुंचना था और वॉकिंग स्ट्रीट जाना था, बट सारा प्लान चौपट कर दिया स्पाइस जेट की फ्लाइट ने। रात के 2 बज रहे थे, बाहर मौसम फिर भी रंगीन हो रहा था, और सच बताऊं तो काफी रंगीन हो रहा था। फिर पहुंच गए हम अपने होटल, जिसकी रक्षा हैरी पॉटर के गरुड़ द्वार का गरुड़ कर रहा था। बाय बाय। कैब वाले भैया को बाय बोला और रिसेप्शनिस्ट को हाय बोला। उसने बोला सवद्दी, और तभी मुझे पता चला हेलो को थाई में सवद्दी। वो मुझे जेम्स बॉन्ड की मूवी की तरह सारे मिशन समझा ही रही थी, और मैं टॉम क्रूज की मूवी की तरह सारे मिशन समझ गया। मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसीलिए एकाव्या इंडिया वालों ने मुझे मिठाई की जगह स्वीट रूम बुक कर दिया। इतनी खराब स्क्रिप्ट इसीलिए लिख रहा हूँ, बिकॉज काफी थक चुका हूँ। जल्दी जल्दी आपको कराते हैं एक रूम टूर, बिकॉज कल होने वाला है काफी ज्यादा एडवेंचर। बाकी लोगों की तरह पूरा दिन नहीं लूंगा रूम टूर के नाम पर। ये आपका बाथरूम, ये है बाथटब, इसमें हम कल सुबह बबल बनाएंगे। ये आपका बेड, ये है थका हुआ लड़का। The next morning. Good morning, guys. Fresh start करते हैं। सबसे पहले ready हो जाता हूँ। So officially today is day 1. बल्कि जो कल होना चाहिए था वो आज हो रहा है। Ready हो चुका हूँ। अभी हम लोग जाएंगे कोरल आइलैंड, फिर वहाँ देखते हैं कैसे है। मुझे अभी ब्रेकफास्ट करना है। 9:30 पिकअप है और 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। लिखा है इंडियन ब्रेकफास्ट, हमें लेना है पहले लेफ्ट फिर राइट, ताकि अपनी राइट लोकेशन पर पहुंच पाए। ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना चाहिए, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे वो पेड। शिप पे बात अलग है, इतनी सारी वैरायटीज थी ब्रेकफास्ट में। फिर मैंने सोचा ऑमलेट, तभी याद आया ये शिप पर ही काफी है। हेल्दी और अनहेल्दी का कॉम्बिनेशन करके ब्रेकफास्ट कर ही रहा होता हूँ कि तभी टैक्सी वाले भैया आ जाते हैं पिकअप के लिए। 9:30 जगह 10:30 हो चुके थे। अच्छा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की वजह से डिले हो गया भाई। एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो बंदा आया और बोला कि भाई पिकअप है, बोला 10 मिनट रुक जा। 10 मिनट तो नहीं, वो निकल गया यार, बिकॉज शेयरिंग थी, क्या कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते। तो बस यही सिनेरियो है अभी। थोड़े से डिले की वजह से जो मैं पहले शेयरिंग में जा रहा था, अब मैं प्राइवेट में जाऊंगा, ऑल थैंक्स टू माय स्पॉन्सर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं जेटी पे, वहां से हम जाएंगे स्पीड बोट में।
ये पटाया सिटी में अंबानी जी फ्लैट बना रहे हैं। मैंने बात की अपने लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए, एक एक फ्लैट उनको मिलना ही चाहिए और वो साइड न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। सबको एक एक बिल्डिंग में एक एक फ्लैट जरूर मिलेगा। सब लोगों को ग्रुप्स में बांटा जाता है और लाइन में लगाया जाता है। ये हमारी स्पीड बोट और बाकी आप वो देखोगे तो उधर जो गरीबों के लिए, और ये स्पीड बोट वाली पियर है। मोस्ट प्रॉब्ली वो वाली बोट होगी या फिर वो वाली या फिर वो वाली या फिर ये तो नहीं होगी डेफिनेटली। ये वाली तो नहीं होगी, यही होनी चाहिए। देखते हैं। हाय। जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने इशारा किया स्कूल की बस के पिकनिक की तरह, मैं पहुंच जाता हूं सबसे पहले बोट पर। देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं बोर्डिंग पॉइंट पर और पेंटूज में पैर रख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में आ चुका हूं। देखते ही देखते हम 9-2-11 हो जाते हैं कोरल आइलैंड की तरफ। लोग यहाँ पर इतने चैंपियन है कि विदाउट मूरिंग रोप्स ही बोट को अलोंग साइड लगा देते हैं। एक हल्का सा करंट और सारे लोग तारे जमीन पर। हम जा रहे थे रिवर्स में, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इस स्पीड से अगर हम जाएंगे तो कल तक ही पहुंच पाएंगे। वो बात भैया को बुरी लग गई और उन्होंने बोट घुमा ली और देखते ही देखते हमारी स्पीड आसमान नहीं पानी को छूने लग गई। वहां हो रही थी पैरासेलिंग। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ देखकर कि खुद को रोक नहीं पाया। सारे लोग सेफली बोट से आइलैंड पर आ चुके थे और हमें बिठाया जा रहा था ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस के लिए। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पैरासेलिंग नहीं करूंगा बिकॉज मुझे लगता है ऊंचाई से डर, जैसा मैंने 100 डेज ऑफ सेलिंग की सीरीज में बताया है। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक पल में तो मैं नीचे था जमीन पर और देखते ही देखते मैं आसमान को छूने लग गया। रिड्यूस होने लगी और मैं जा रहा था धीरे धीरे पानी की तरफ और देखते ही देखते मैं चला गया अंदर, जिस बारे में हम कल बात करेंगे।